हेलो, वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं हूँ अरुण कुमार यादव और यह है एक्सरसाइज 9.2 क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे बोला गया है ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं कुछ, उनका वॉल्यूम निकालना है जिनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। यहाँ रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर पहले लेंथ लिखा है तो जो पहली वैल्यू है वो लेंथ है, फिर ब्रेथ लिखा है तो जो दूसरी वैल्यू है वो ब्रेथ है, और फिर हाइट लिखा है जो तीसरी वैल्यू है वो हाइट है। देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया है। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। आपको पता होगा कि रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी कि ये क्यूबोइड बन जाता है, ठीक है। तो क्यूबोइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एल बी एच, ठीक है। अब आप जानते हैं कि एल की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है, इंटू होगा ये बी के साथ, बी की वैल्यू क्या है 3 है स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा एच के साथ, एच की वैल्यू क्या है 7 ए की पावर 4, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल पार्ट को आप न्यूमेरिकल पार्ट से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो यहां पे हुआ 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। और यहां पर आप देख सकते हो ए को मल्टीप्लाई करना है आपको ए स्क्वायर के साथ, और फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे आप ए की पावर 4 के साथ, तो ए इंटू ए ये कितना हो गया ए की पावर 3, और अब ए की पावर 3 को मल्टीप्लाई करोगे ए की पावर 4 से तो ये हो जाएगा ए की पावर 7। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पर सबका बेस सेम है, यहाँ पर बेस है ए, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ ए की पावर 1 थी, यहाँ ए की पावर 2 थी, यहाँ ए की पावर 4 थी, तो आप तीनों को जोड़ दो, 4 और 2 6 और 1 7, तो ए की पावर कितना मिलेगा 7। अब क्योंकि हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट की यूनिट नहीं बताई गई है कि ये मीटर में है, किलोमीटर में है या सेंटीमीटर में है, हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे कि इसकी जो भी यूनिट रही होगी उसका क्यूब आया होगा, क्योंकि वॉल्यूम का हमें यूनिट भी लिखना होगा। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, जो भी साइड है उसकी जो यूनिट है उसका क्यूब। अगर ये मीटर में होता तो मीटर क्यूब आता, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर क्यूब आता, हमें क्योंकि नहीं पता है तो हम सिर्फ लिख देंगे यूनिट क्यूब, ठीक है। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है। अब देखिए, आप दूसरे पार्ट में हमें लेंथ दी हुई है 2p, ब्रेथ दिया हुआ है 4q और हाइट दिया हुआ है 8r। फिर से रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एल बी एच, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर अब इसमें वैल्यू पुट करें लेंथ, ब्रेथ और हाइट की, तो v की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, लेंथ यानी कि 2p इंटू में क्या आया b यानी कि 4q और इंटू में क्या आया h यानी कि 8r। जरूर नहीं आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओ, अगर यहाँ कोई निशान नहीं है तब भी इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप लगा लो, नहीं चाहो तो मत लगाओ। अब देखिए, अब फिर से हमें न्यूमेरिकल पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 2 4 जा कितना हुआ 8, हमारे पास 8 आ गया। अब जो 8 आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 8 के साथ, यानी 8 8 जा 64। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, मतलब बेस अलग अलग है, तो हम इनको ऐसे चिपका के लिख देंगे, तो ये इनका मल्टीप्लाई हुआ। तो V इक्वल टू क्या है यहाँ पर 64 PQR, फिर से हमें यूनिट नहीं पता, तो इसकी जो भी यूनिट रही होगी उसका क्यूब आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका पार्ट 3 क्या है। इसका पार्ट 3 है जिसमें हमें लेंथ दी हुई है XY, ब्रेथ दिया हुआ है 2X² Y और हाइट दी हुई है 2XY², ठीक है। तो फिर से आप जानते हैं क्यूबोइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो यहां से एल की वैल्यू है XY, B की वैल्यू है 2X²Y और H की वैल्यू है 2XY². फिर से आप न्यूमेरिकल पार्ट को पहले मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 समझोगे आप, 1 है, 1 2 जा 2 हुआ, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, फिर आप जितने भी X हैं उनकी पावर ऐड कर लो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, बेस अगर X होगा तो पावर जुड़ जाएगी क्योंकि बेस सेम होगा, तो यहाँ X की पावर 1 है, यहाँ X की पावर 2 है और यहाँ X की पावर फिर से 1 है, तो टोटल कितना हुआ 1 और ये 2 3, और यहां पर जो x की पावर 1 थी वो 4, यानी कि x की पावर हो गई 4। इसी तरह से आप y की पावर जोड़ लोगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है फिर से, और बेस क्या है y, तो जब बेस सेम होता है तो हम मल्टीप्लाई में पावर को जोड़ते हैं, तो यहां y की पावर 1, यहां भी y की पावर 1, 1 और 1 2, और यहां y की पावर 2, यहां पर 1 2 हुआ था और ये 2 4, तो यहां पर आएगा 4 x की 4 y की पावर 4। फिर से हमें यूनिट नहीं पता, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, क्या है, तो हम लिख देंगे यूनिट क्यूब, ठीक है। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है। अब देखिए, फोर्थ पार्ट में हमें लेंथ दी हुई है a, ब्रेथ दी हुई है 2b और हाइट दी हुई है 3c। फिर से
क्योंकि रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल बी एच। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एल बी और एच की वैल्यू पुट करनी है। तो एल की वैल्यू क्या है, ए है, बी की वैल्यू क्या है, 2b, और जो एच है उसकी वैल्यू क्या है, 3c। तो यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 2 जा 2 हुआ, 2 × 3 6। ठीक है, कोई भी वेरिएबल एक जैसा नहीं है, सारे अलग अलग हैं, तो इनको आप ऐसे ही चिपका के लिख दोगे ए बी सी। ठीक है, तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। अब फिर से हमें यूनिट नहीं पता है, तो हम लिख देंगे यूनिट क्यूब। तो ये आ गया पार्ट फोर्थ का आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.2 क्लास 8 का। मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और आप फ्यूचर में किन नए टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।